जय हिंद दोस्तों, आज फिर हम नए दिन से नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पुराना चैप्टर है लिमिट और फिर उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम आज भी बहुत सारे नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और आप उनको देखिए, समझिए और अगर आपको उनको अच्छा लगता है, आपको उनका सोल्यूशन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि बहुत छोटे हो रहे हैं तो लाइक ठोकिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जब हम ज़्यादा से लोगों तक पहुँचेंगे तभी हम आपको लाइव क्लास दे पाएंगे। तो अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो साथ में कमेंट भी करिए ताकि हम लाइव क्लास के लिए तैयार हो सकें और अगले ही सप्ताह तक हम आपको लाइव क्लास क्या करेंगे, पहुँचाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम क्या सीखने जा रहे हैं आज नया। ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन की पावर 5x प्लस साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 5x माइनस साइन की पावर 3x। अब आप क्या करेंगे, करेंगे क्या, या तो ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे और नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, या बहुत ज्यादा आपने क्या सीखा होगा, एल हॉस्पिटल, ऊपर का अलग अवकलन और नीचे का अलग अवकलन, है ना, यही तो सीखे होंगे। और अगर यही सीखे हैं तो कुछ और नया सिखाते हैं। हमने आपको पहले कहा है कैलकुलेशन स्वाहा, तो कैलकुलेशन स्वाहा का मतलब क्या हो गया कि पेन नहीं उठाना है, तो मैं भी नहीं उठा रहा हूँ ना आपको उठाने दूंगा, तो ये हमारा वादा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको पसंद लगे तो शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना है, देखो ऊपर प्लस लगा है नीचे माइनस लगा है, 8 5 कितना होता है 13 और 5 में 3 जाएगा 2, 13/2, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब ना तो C प्लस डी चाहिए, ना तो C माइनस डी चाहिए और ना ही L हॉस्पिटल चाहिए। ठीक है भाई, पसंद आया कि नहीं आया, चलिए पसंद अगर आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, अब इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप सीख चुके होंगे, अगर आप सीख गए हैं तो कमेंट करना आपका जरूरी है। तो कैसे करेंगे बताओ। अच्छा प्यारे बच्चों, 10 8 कितना हो जाएगा 18 और 18 और 5 में 2 जाएगा तो 3, प्लस लगा है तो प्लस करना है, माइनस लगा है तो माइनस करना है और भाग देंगे तो 3 6 18, तो आंसर आ जाएगा 6। आया कि नहीं आया, तो ठीक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करें, इससे हमें पता चलेगा कि हमें और भी क्या सुधार करना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपको बहुत पसंद आ रही है तो फिर आगे आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, अब ये भी क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट करके पहले मुझे आंसर बताइए किसका आंसर क्या आएगा। अब आप सीख गए होंगे किसका कमेंट करके आंसर क्या बताना है, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कैसे आएगा इसका आंसर। अब देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चंस में ऊपर प्लस था और नीचे माइनस था, तो अब क्या करें, हम भी वही करेंगे, माइनस में हम माइनस करते हैं, प्लस में हम प्लस करते हैं, तो 20 में 5 जाएगा 15 और 10 में 3 जाएगा 10, 3 कितना हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/13, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप पहले कहीं पढ़ चुके होंगे, आपने कहीं पढ़ा होगा, तो आप मुझे समझ पा रहे होंगे कि मैं आप तक कितनी आसान भाषा में पहुंचना चाह रहा हूं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कैलकुलेशन स्वाहा, स्वाहा ऐसे नहीं होगी, स्वाहा ऐसे होगी जैसे लिखे हैं, ऐसे करना पड़ेगा। लिमिट लिमिट में समझ लीजिए, लड़का एक एक मिनट टाइम वर्थ करता है लिमिट ऐसे चैप्टर में। मैं कंटिन्यूटी जो आप पढ़ा, सीमा और सत्ता पढ़ गया, कंटिन्यूटी डिफरेंसबिलिटी, भाई साहब जो आप आधा तो पन्ना भरते हो ना एग्जाम में, ये बहुत गलत बात है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो सब जहाँ क्वेश्चन लिखा है वही आंसर करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ लिमिट इतनी आसान होती है। लिमिट की डिमांड बहुत थी बच्चों को, तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक लिमिट पे वीडियो बनाते हैं। और अनंत में बड़ी समस्या थी बच्चे को, इनफाइनाइट और जीरो पे, तो आज काम उसी पे किया जा रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos mx - cos nx / x²। अब सोचिए बच्चा क्या करेगा, पूरी ईमानदारी से या तो 2 बार एल हॉस्पिटल लगाएगा, ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन, जब तक वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म से फ्री नहीं हो जाएगा, 0/0 इनफाइनाइट / इनफाइनाइट। चलो मान लेना किसी बच्चों को इंडिटरमिनेंट फॉर्म आती ही नहीं है, क्योंकि गांवों में आज भी बहुत सारी जगह ऐसा है। मैं एक अनुभव शेयर करता हूँ आपके साथ। एक बार मैं पटारा गया एक इंटर कॉलेज में पढ़ाने गया था, बहुत पहले की बात है, और मैं जब उस स्कूल में पढ़ाने गया तो मैंने देखा कि वहाँ मैथ्स के टीचर जो थे, जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो कई सारी चीज़ें गलत ही पढ़ा रहे थे।
मेरा मकसद किसी टीचर को हर्ट पहुंचाने का नहीं है, मेरा मकसद उन ऐसे अध्यापकों को बताने का है कि आप किसी भी बच्चे को गलत ना पढ़ाइए, क्योंकि जब वो गलत सीखेगा तो आगे आने वाले जनरेशन को, आगे आने वाली पीढ़ी को जिस दिन वो अध्यापक बनेगा तो उस तरीके का वो भी सिखाएगा। इससे अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख के सिखाइए, किसी के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे का भविष्य क्या है, देश का भविष्य है, और देश के भविष्य के साथ हम बिल्कुल भी खतरा मोल नहीं ले सकते, इसलिए सीख के बताइए। तो आज भी बहुत सारे गाँव में बच्चे ऐसे हैं, या तो उनको समझ में ही नहीं आता है फिर भी वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनको समझा पाएंगे और उनको हम सफलता तक पहुंचा पाएंगे तो सारे के सारे बच्चे मुझे जीवन पर्यंत याद रखेंगे। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि एक अंतिम पंक्ति में खड़े हुए बच्चे को, जो बिल्कुल मैथ से कमज़ोर है, जो दिमाग से बिल्कुल गरीब है, मैथ से बिल्कुल गरीब है, उसको मैथ सिखानी है, उसको ये बता के पहुंचाएंगे कि मैथ बहुत आसान है और कोई फीस जमा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको, आप फ्री में आइए हमारे साथ, हम आपको फ्री में पूरी सिखाएंगे, ताकि आप जब शिक्षित हो जाएंगे तो आपकी अगली पीढ़ी बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब ये क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंस टू जीरो तो cos mx माइनस cos nx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, तो मैं देखो इस क्वेश्चन को करते समय हमें क्या करना है, हम आपके पहले उस तरीके को बता देते हैं जिस तरीके से आप इसको लगाने वाले हो, ठीक है ना। चलो करते हैं, आज आप बेसिक करते हैं, तभी तक बेसिक नहीं किया, एक बार बेसिक का भी मजा लेते हैं हम लोग, है ना। तो cos c माइनस cos d क्या होगा, बोलिए, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin, ठीक है, c plus d by 2, ठीक है ना। तो यहां से कैसे करेंगे, तो mx plus nx by 2 into sin d minus c by 2 और अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सबको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। चलो अब अगर मैं इसको आगे लेके बढ़ूं तो 2 साइन, आप यहां से x कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा m प्लस एन बाई 2, और इस पे जब आप x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस m बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं इस x स्क्वायर को दो एक x और इंटू एक x में डिवाइड कर देता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं बेसिक से बता रहा हूं, मैं बेसिक से बताता नहीं हूं क्योंकि बेसिक से पढ़ाने मेरी आदत नहीं है। आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएं, ठीक है भाई। या आपने ये पढ़ा होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन एक्स की, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो आप देख पा रहे हो इसके पास बाई 2 है तो इसको भी 2 देना पड़ेगा, इसको भी 2 देना पड़ेगा। अच्छा, इसके पास क्या है, n माइनस m से अगर हम इधर करेंगे तो इधर भी हम n माइनस m से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई, इधर हम क्या करेंगे, इधर हम m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम m प्लस n से ही काम चलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब देखो हमने 4 से डिवाइड किया है तो हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, इधर देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। कितना लेंदी हो गया, एक बेस के आसपास भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, नहीं करना है, ठीक है भाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो ये आपको सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है, अगर ये नहीं करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, बाद वाला जो है ना हमारा n, इसका स्क्वायर करना है, बाद वाले का स्क्वायर करना है इसका, फिर पहले वाले का स्क्वायर करना है, और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो बाद वाले का स्क्वायर माइनस पहले वाले का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अब इसको अगर सॉल्व करना होता तो बाद वाले के स्क्वायर से पहले वाले के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36, और 10 का कितना आ जाएगा, 100 बाई 2, तो आएगा माइनस का 64, और माइनस के 64 का जब आधा करेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। और कमेंट में हमें लिख के बताएं अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आएं और आपको लाइव क्लास क्या कर सकें, दे सकें। इसे आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमको बताते रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।